channel which is Simple Learning, and today we will finish the remaining chapter in this video, the part 2 of this chapter. So student, if you have not seen the part 1 of this chapter of this video, I have given the link in the description box, you may check it out. So student, without further delay, let's get started. Chapter name, geography, African chapter, the name of the chapter is Africa. And in the previous video we read about the features, African features, Africa features, Africa continent features, and they are divided into several. And you have to also find out in the map where is the river, where the mountain, where the plateaus. And in this video we start from here. The Zaire, Zaire yani ki Congo, 4700 kilometer itni phaili hui hai ye. Zaire is the second longest river, itni lambi river hai ye kon Zaire kiski, Africa ki. Zaire is coming from the word Zari, जो जायरे रिवर है उसका नाम जो है वो जरी से आया है, जिसका मतलब होता है बहुत ही बड़ी वाटर मास, यानी कि बहुत ही ह्यूज वाटर, यानी कि जिसमें बहुत ज्यादा पानी हो. राइजिंग एज द लुआब्ला इन द कटंगा प्लेट्यू, द रिवर लुआब्ला मीट्स द लोमामी टू फ्लो एज द जायरे आफ्टर क्रॉसिंग द इक्वेटर. और कहां से उठती है ये, लुआपोला से, जो कि कटंगा प्लेट्यू से. और जो रिवर लुआब्ला है वो लोमामी को मिलती है टू फ्लो एज द जायरे आफ्टर क्रॉसिंग द इक्वेटर, जायरे के साथ फ्लो करने के लिए, बहने के लिए जब वो इक्वेटर को क्रॉस करती है. द माइटी रिवर जायरे कट्स थ्रू द इक्वेटर रीजन, जो माइटी रिवर बहुत ही पावरफुल रिवर जायरे है वो काटती है इक्वेटोरियल रीजन को. इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जो इक्वेटोरियल राइन है वो अफ्रीका को दो सेपरेट पार्ट में, एक तो नॉर्थ अफ्रीका पड़ा, एक साउथ अफ्रीका, तो उसमें डिवाइड करती है ना इक्वेटोरियल राइन. तो यहाँ पे जो जायरे रिवर है वो कट करती है इक्वेटोरियल रीजन यानी कि अफ्रीका को इन अ लॉन्ग जिगजैग कोर्स अंटिल इट रीचेस द ब्लू वाटर ऑफ द अटलांटिक. तो जिगजैग कोर्स यानी कि ऐसे वाले रास्ते, ऐसे होते हैं ना जिगजैग, ये ऐसे, ठीक है, तो ऐसे अंटिल इट रीचेस, जब तक ये वहां कहां ना पहुंच पाए, जो अटलांटिक ओशन है उसके पानी यानी कि वहां तक ना पहुंच पाए, क्योंकि वहां जाके गिरती है. द जायरे एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज लाइक द कसाई एंड उबांगी, जो जायरे रिवर है उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है कसाई और उबांगी, उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है वाटर का पूरे साल भर, और सबसे ज्यादा नंबर ऑफ रैपिड और वाटरफॉल्स. रैपिड हमने पढ़े थे ना कि स्पीड से जो पानी क्या होता है फ्लो होता है, और वाटरफॉल जो गिरते हैं यानी कि एक पहाड़ से, एक ऊंचाई से गिरते हैं, जैसे कि बोयामा यानी कि जो स्टेनले किसके नजदीक में, वाटरफॉल किसन गानी के नजदीक में, और लिविंग स्टोन किसके बीच में, किन्हासा और मटाडी के बीच में, ये मेंशनेबल है, ये देखे जा सकते हैं. जो जायरे है वो एक ऐसी रिवर है वर्ल्ड की जो क्रॉस करती है इक्वेटर को ट्वाइस, यानी कि जो जायरे रिवर है वो इक्वेटोरियल को, यानी कि जो इक्वेटोरियल लाइन क्या है, अफ्रीका को, ये है अफ्रीका को, यानी कि इस अफ्रीका को क्या करती है, दो पार्ट में डिवाइड करती है ना, तो उसको जो जायरे रिवर है, जो हमारे वर्ल्ड की एक ऐसी रिवर है, एक ओनली यानी कि एकमात्र ऐसी रिवर है जो क्रॉस करती है इक्वेटर को दो बार, यानी कि एक बार क्रॉस करेगी और दूसरी बार भी क्रॉस करेगी. इट हैज क्रिएटेड अ लार्ज डेल्टा एट इट्स माउथ, और ये जहां से निकलती है वहां पे से, ठीक है, अपने माउथ पे, यानी कि जहां पे वो क्या करती है जाके मिलती है, मतलब वहां पे बहुत बड़ा डेल्टा क्रिएट करती है. और हमने कहा था, मैंने कहा था कि जो डेल्टा है वो क्या बनता है, जैसे एक रिवर ये और एक ये, तो यहाँ पे ना ये, तो ये इन दोनों के बीच में जो डेल्टा बनता है. तो स्टूडेंट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. अब हम पढ़ेंगे ना नाइजर के बारे में. जो नाइजर है वो थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका की, और ये कहाँ से निकलती है, फोर्ट डेजलॉन हाईलैंड से, वेस्ट की तरफ है जो, और फिर किधर की तरफ फ्लो होती है, नॉर्थ ईस्ट फॉर ए लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत लंबे डिस्टेंस कवर करती है, फिर राइट टर्न मुड़ेगी, फिर फ्लो होगी साउथ की तरफ, फिर फॉल होगी गल्फ ऑफ गुयाना में, ठीक है. इट इज अ रेनफेड रिवर, ये क्या है रेनफेड यानी कि जो बारिश का पानी है, इससे भी ये रिवर बनती है. जो नाइजर है वो नेविगेबल है, कब कहां तक, जेबा तक, यानी कि इसमें बोट शिप जा सकती है, और कहां तक, जेबा तक. विच आर रैपिड्स, जेबा एलोन, विच आर रैपिड्स, रैपिड्स का मतलब जैसे कि हमने पढ़े थे, हमने क्या पढ़ा था कि जो स्ट्रॉन्ग क्या होती है, स्पीड होती है पानी की. बट ड्यूरिंग हाई वाटर सीजन स्टीमर्स कैन ट्रेवल अप टू लोकूजा, पर जब बहुत, जब वाटर सीजन होता है यानी कि मानसून आता है वहां, जब ज्यादा बारिश होती है, तो उस टाइम पे जो स्टीमर्स है वो ट्रेवल कहां तक कर पाते हैं, लोकूजा तक, फिर और उसके बाद बेने से गर्ना तक 1500 किलोमीटर फ्रॉम द गल्फ ऑफ गुयाना.
अब हम पढ़ेंगे जामबेजी रिवर के बारे में, जो कितनी लंबी है, 2574 किलोमीटर। जो जामबेजी है वो कहाँ से आती है, साउदर्न हाईलैंड से। फ्लोज लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करती है ईस्ट की तरफ और जाके गिरती है मोजाम्बिक चैनल में। ये जो रिवर है ये भी रेनफेड रिवर है, यानी कि बारिश जब होती है फिर ये भी क्या हो जाती है, रिवर बनती है। द जामबेजी हैज ए नंबर ऑफ रैपिड्स इन इट्स लोअर कोर्स। जो जामबेजी है उसके पे भी नंबर ऑफ, यानी कि जब वो ढलान में यानी कि नीचे की तरफ आती है तो उसमें भी बहुत सारे रैपिड्स देखने को मिलते हैं। ओशन स्टीमर्स कैन फ्लाई फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस। जो ओशन स्टीमर्स है वो बहुत ही कम डिस्टेंस तक जाते हैं। और जो विक्टोरिया फॉल्स है वो सिचुएटेड इसी रिवर्स पे, जामबेजी रिवर पे, और ये भी डेल्टा बनाती है जहाँ पे गिरती है, यानी कि फाइनली जहाँ पे क्या करती है, इसका माउथ होता है, यानी कि जैसे हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा ना, यहाँ ये तो ये जो रिवर यहाँ से आ रही है तो ये माउथ ये यहाँ पे पड़ रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया माउथ। मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। अब हम पढ़ेंगे सेनेगल के बारे में। जो सेनेगल है वो भी कहाँ से आती है, फोटो डजलेट हाईलैंड से आती है वेस्ट से, और फ्लो होती है वेस्ट की तरफ और फॉल होती है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, और ये भी रेनफेड रिवर है। ऑरेंज जो 200 किलोमीटर लंबी है, जो ऑरेंज है वो ओरिजिनेटेड ड्रैगन्सबर्ग माउंटेन से, यानी कि वहां से निकलती है और फ्लो होती है वेस्ट की तरफ और फॉल होती है फॉल इनटू साउथ अटलांटिक ओशन में। इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरी है वो है वाल। जो लिम्पोपो रिवर है वो कहाँ से निकलती है, साउदर्न हाईलैंड से निकलती है और फ्लो होती है साउथ ईस्ट की तरफ और फॉल होती है इंडियन ओशन में। ये भी रेनफेड रिवर है, यानी कि जब बारिश होगी तब बनेगी। कोकोआ कल्टीवेशन इन घाना। अब हम पढ़ेंगे जो कोकोआ कल्टीवेशन है उसकी खेती होती है यहाँ, उसकी केस स्टडी पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में है हमारे पास, जो इक्वेटोरियल रीजन है वो वेल सुटेड है प्रोडक्शन किसके लिए, कोकोआ के लिए, यानी कि जो इक्वेटोरियल रीजन है अफ्रीका में जो मेन कोकोआ है प्रोड्यूसिंग रीजन है वो कंट्री। द मेन कोकोआ प्रोड्यूसिंग रीजन आर द कंट्रीज बॉर्डरिंग द गल्फ ऑफ गिनिया इन वेस्टर्न अफ्रीका साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि जो यहाँ जो रीजन्स हैं वो जो कंट्री किसके साथ है कि इसकी बॉर्डर गल्फ ऑफ गिनिया के साथ है वेस्टर्न अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में यहाँ यहाँ होता है। जो घाना है वो लार्जेस्ट सप्लायर है कोकोआ का वर्ल्ड में हमारे, और उसके बाद फिर उसके बाद आता है आइवरी कोस्ट सप्लाई करता है कोकोआ को, फिर नाइजीरिया, फिर ब्राजील, मैक्सिको, इंडोनेशिया, वेनेजुएला और लास्ट वन इज वेस्ट इंडीज। कोकोआ कल्टिवेशन इन घाना कम से कम 90 ईयर्स एगो, यानी कि 90 साल पहले से जो कोकोआ है वो इंट्रोड्यूस है घाना में। घाना लोकेटेड है वेस्टर्न अफ्रीका, ठीक है, जो किससे लगा हुआ है, गल्फ ऑफ गिनिया से। और घाना इंडिपेंडेंट स्टेट कब बना, 6 मार्च 1957 को। तो यहाँ पे हमें दे रखा है कोकोआ ट्रायंगल दे रखा है यहाँ पे, ये देखिए कि हाँ यहाँ जगह में, ठीक है। तो ये आपको क्या दे रखे है, रेड रेड ये सुनियानी पाको, तो ये कोकोआ ट्रायंगल यानी कि ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोकोआ है तो वो ज्यादा कल्टीवेट होता है, तो आपको ये दे रखे हैं। और ये है घाना ना, घाना की घाना ही जो है इसका जो प्रोड्यूसर होता है यहाँ, ठीक है, ये कंट्री। आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ कॉलोनियल रूल, जब यहाँ पे किसी ने शासन किया होगा, तो घाना है वो फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री थी जिसको इंडिपेंडेंस मिली, स्वतंत्रता मिली। घाना वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर करता है किसका, कोकोआ का, और कोकोआ वर्ल्ड वाइड डिमांड है सारे संसार में। इसलिए जो गवर्नमेंट है घाना की वो क्या करती है, टेकन ग्रेट स्ट्राइड इन मॉडर्नाइजिंग इट्स एग्रीकल्चर, तो बहुत ही ज्यादा फोकस करती है एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए। एट प्रेजेंट द इकोनॉमी ऑफ घाना इज बेस्ड ऑन कैश क्रॉप, और अभी जो इकोनॉमी है घाना की वो किस पे बेस्ड है, कैश क्रॉप पे, एग्रीकल्चर, कैश क्रॉप एग्रीकल्चर, स्पेशली कोकोआ पे, यहीं से इनकी इकोनॉमी बेस्ड होती है, यानी कि इकोनॉमी चलती है। घाना इज द सेकंड लार्जेस्ट कोकोआ एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड, जो घाना है वो सेकंड लार्जेस्ट कोकोआ एक्सपोर्टर है हमारे वर्ल्ड में। जो कोकोआ एक्सपोर्ट है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ घाना में ब्रिटिश के थ्रू 1879 में, फिर उसके बाद ये देखा गया कि जो 60% है कंट्रीज का टोटल एक्सपोर्ट, यानी कि यहाँ से 60% टोटल एक्सपोर्ट होता है घाना से, कहाँ, कोकोआ का। मेन कोकोआ एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ घाना इस कैपिटल सिटी, जो मेन कोकोआ एक्सपोर्टिंग पोर्ट है घाना का वो उसकी कैपिटल सिटी यानी कि पोर्ट एकरा से यहाँ क्या एक्सपोर्ट होता है, इस बंदरगाह से। कोकोआ कल्टिवेशन इज कंसंट्रेटेड मेनली इन द कोकोआ, जो कोकोआ की कल्टिवेशन है वो उसी में कंसंट्रेट है, किसमें, कोकोआ में, कोकोआ ट्रायंगल में, फॉर्म बाय थ्री टाउन्स, यानी कि जो तीन टाउन्स है, एकरा, कुमासी और टाको प्राटी, यानी कि यहाँ से क्या हो जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है फिर इसको। क्लाइमेटिक कंडीशन और सॉयल, जो हॉट और वेट क्लाइमेट है वो सुटेबल है किसके लिए, कोकोआ को प्रोडक्शन के लिए। टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। जो रेनफॉल है 150 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए और ये कोकोआ कल्टिवेशन के लिए अच्छी है। जो सॉइल है यानी कि जो कोकोआ प्लांट है उसको डीप और वेल ड्रेन्ड पोरस सॉइल चाहिए, यानी कि जिसमें थोड़े क्या हो,
छेद भी हो, एंड ए शेल्टर फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड्स, और स्ट्रॉन्ग विंड से इसको प्रोटेक्ट रखना है और डायरेक्ट लाइट से भी। जो सबसे ज्यादा एरिया है कोकोआ के अंडर कल्टिवेशन का वो किस पे, क्ले और लॉम सॉयल पे और सैंडी लॉम सॉयल पे। ये वाली सॉयल इसके लिए अच्छी क्या होती है, अच्छी होती है प्रोडक्शन के लिए। जो लेबर है यानी कि प्लेंटी ऑफ चीप यानी कि सस्ते में जो लेबर और स्किल्ड लेबर मिल जाती है कोकोआ प्लांटेशन के लिए। अब मेथड है प्लांटिंग कोकोआ ट्रीज यानी कि इसको कैसे लगाया जाता है। कोकोआ प्लांट्स आर ग्रोन फ्रॉम द सीडलिंग ट्रीज इन नर्सरीज डायरेक्टली फ्रॉम सीड। जो कोकोआ प्लांट है उनको कैसे उगाया जाता है, सीडलिंग यानी कि जो बीज होंगे वो कहाँ करे जाएंगे, उनको कहाँ से लाया जाएगा, नर्सरी में जो होंगे डायरेक्टली फ्रॉम सीड यानी कि वो सीधा बीज से ही होता है। कौन, कोकोआ। व्हेन द सीडलिंग ग्रो टू अ हाइट ऑफ अबाउट 5 सेंटीमीटर, जो सीडलिंग है जब वो इस हाइट पे यानी कि 5 सेंटीमीटर पे ग्रो होने लग जाएगा यहाँ तक, तो उनको ट्रांसप्लांटेड यानी कि शिफ्ट किया जाता है प्लांटेशन लैंड में। कितने डिस्टेंस पे, 3 to 4 meter पे। जो प्लांट है ये देखिए आपको कोकोआ ट्री का यहाँ पे पिक्चर दे रखा है। प्लांट्स आर ग्रो इन लॉन्ग पीरियड ऑफ, प्लांट्स आर ग्रो इन बिटवीन द रोज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द कोकोआ प्लांट्स फ्रॉम विंड्स। और उनको रोज के बिटवीन में यानी कि जो रोज बनती है ना, जैसे कि ये जो रोज बनती है ये ऐसे हो गई ना रोज, ठीक है, तो वो जो कोकोआ ट्री है, जो कोकोआ ट्री है उसको प्लांट किया जाता है यानी कि कितने डिस्टेंस पे, 3 to 4 meter डिस्टेंस पे, ठीक है। तो जैसे कि ये यहाँ पे आपके पास क्या है, ये रो है, तो एक यहाँ पे, तो उनको डिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, प्लांट किया जाता है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द कोकोआ प्लांट फ्रॉम विंड्स यानी कि विंड से प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो डायरेक्ट रेज ऑफ सन है वो ना पड़े। मेथड ऑफ कोकोआ हार्वेस्टिंग यानी कि इसको अब क्या काटने के लिए क्या मेथड किए जाते हैं यूज। जो हार्वेस्टिंग टाइम ऑफ सीजन है वो सेप्टेम्बर से जनवरी तक है। कोकोआ हार्वेस्टिंग यहाँ पे दिखाई गई है, निकाल रहे हैं पॉड को। जनरली हार्वेस्टिंग ऑफ कोकोआ पॉड्स, इनको पॉड्स बोलते हैं, वो सुबह निकाले जाते हैं, ठीक है। इनकी हार्वेस्टिंग यानी कि निकालेंगे कब, सुबह। जो रिक्वायर्ड पॉड्स है वो पिक्ड केयरफुली बाय हैंड पिकर्स यानी कि जो ये निकाल रहे हैं ना यहाँ पे पिक से, पिक में दिख रहा है आपको, तो हैंड से निकाल रहे हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड टूम्बेडर्स, इनको टूम्बेडर्स बोलते हैं जो निकालते हैं उनको, हैंड पिकर्स को। हैंड पिकर जो होते हैं ये लोग यानी कि हाथ से निकालते हैं इनको तोड़ के, तो इनको बोलते हैं टूम्बाडोर्स। विद द हेल्प ऑफ ए शार्प नाइफ कॉल्ड मैशेट, और इनके पास नाइफ होता है, ऐसा थोड़े ना तोड़ दिया ला गए, इनको नाइफ की हेल्प से यानी कि तेज नाइफ होना चाहिए खूब, कॉल्ड मैशेट, उसको मैशेट बोलते हैं उस नाइफ को। द पोर्स आर स्प्लिट ओपन केयरफुली एंड कवर्ड विद बनाना लीव्स, जो पोर्ड है वो उसके बाद स्प्लिट होते हैं केयरफुली यानी कि उनको क्या करना है, स्प्लिट करना है, उसके बाद कवर्ड कर देना है बनाना लीव से। जो कोको हार्वेस्टिंग है उसको बहुत ही ज्यादा नंबर में मैनुअल रिवर्स चाहिए होती है, तो इनको स्प्लिट करने के लिए भी तो चाहिए यानी कि नाइफ से इनको क्या किया जाएगा, इनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, फिर उसके बाद इनको कवर किया जाएगा बनाना लीव से। और इसलिए यहाँ मैनुअल लेबर यानी कि जो हाथ से काम करते हैं, मशीन वाली लेबर नहीं चाहिए, मशीन में काम करने वाली लेबर नहीं चाहिए, जो हाथ से काम करेंगे वो वाली लेबर चाहिए। अब हम फर्मेंटेशन पढ़ते हैं यानी कि केमिकल प्रोसेस वगैरह से उस चीज को क्या कर देना, सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ना। फॉलोइंग सब स्टेप्स आर टेकन फॉर द प्रॉपर फर्मेंटेशन ऑफ कोकोआ यानी कि सबसे पहले जो बीन्स है उसको कवर किया जाता है पल्प से। आर हिप्ड ऑन ग्राउंड, उनका जो ढेर है वो ग्राउंड पे रखा जाता है, फिर कवर किया जाता है लार्ज बनाना लीव से 5 to 8 days तक यानी कि जो बीन्स होंगे ना उसको पल्प से कवर किया जाएगा यानी कि उसकी ढेर लगेगी ग्राउंड पे, ठीक है, और कवर किया जाएगा लार्ज बनाना लीव से 5 to 8 days तक। और फर्मेंटेशन से पहले जो बीन्स है उनको वॉश नहीं करना है, वैसे ही रखने हैं, ठीक है। फर्मेंटेशन ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इनसाइड द बीन्स, और जो फर्मेंटेशन है उसकी वजह से बीन्स में चेंज आएगा जिसकी वजह से उनका चॉकलेट फ्लेवर हो जाएगा। जो हाई टेम्परेचर है वो एलो नहीं करता इन बीन्स को जर्मिनेट यानी कि फूटने के लिए, जर्मिनेट होंगे ना जो जब बीज फूटेगा तभी तो प्लांट उगेगा, तो ये हाई टेम्परेचर को अलाउ नहीं करता है इस बीन्स को फूटने के लिए यानी कि जर्मिनेट होने के लिए। इट गिव्स द बीन द चॉकलेट फ्लेवर, और इसकी वजह से जो बीन का चॉकलेट फ्लेवर है वो आता है ब्राउन कलर आता है। और कितने दिन लगते हैं, 3 to 8 days लगते हैं बीन्स को फर्मेंट होने के लिए। फर्मेंटेशन के बाद जो कोकोआ बीन्स है उनको फिर सुखाया जाता है सन में, तो ये जो प्रोसेस है ना कोकोआ की, ठीक है, ये जो इनके बीन्स वगैरह हैं तो उनका काम कैसे किया जाता है, फर्मेंटेशन करके, ठीक है। तो उस चीज को क्या रखना है, बंद रखना है यानी कि उसमें हवा वगैरह नहीं, फर्मेंटेशन में हम यही तो करते हैं, ढेर, ठीक है, वो जो हीप है उसको ग्राउंड में रख देंगे और उसको कवर किया जाता है, ढका जाता है ताकि कहीं से हवा इसमें पास ना हो पाए, और फिर उसके बाद उसका कलर इस वजह से चेंज होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि इसकी फर्मेंटेशन प्रोसेस को कितना टाइम लगता है, 5 to 8 days लगेंगे, और उसको क्या कर देना, कवर कर देना है, और जो बीन्स को फर्मेंट होने के लिए 3 to 8 days लगेंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या है, फर्मेंटेशन की। कोकोआ बीन्स ड्यूरिंग दिस पीरियड मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड पेस्ट, और हमें इनको कीड़े मकोड़ों से बचाना है इस पीरियड में जब हम फर्मेंटेशन वाली प्रोसेस करेंगे। फिर
जब ये सूख जाएंगे तो बीन्स हमने सन में एक्सपोज कर दिया, फर्मेंटेशन होने के बाद इनका जो बीन्स है उनको बैग में रखते हैं और मार्केट में भेज देते हैं। मार्केट में उनको ग्रेडेड सील किया जाता है, सोल्ड किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है बाहर की कंट्रीज में। तो इसमें इसलिए हमें मैनुअल लेबर चाहिए स्टूडेंट इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारा काम हाथ के थ्रू हो रहा है और लेबर भी तो यही चाहिए, मशीन का तो हमने कोई काम नहीं पड़ा इसमें, इसलिए ये मैनुअल लेबर चाहिए हमें इसमें। प्रोसेसिंग ऑफ कोकोआ बीन्स, अब इनकी प्रोसेसिंग कैसे होती है इसके भी स्टेप है। फैक्ट्री में जो बीन्स उनको रोस्ट किया जाता है, रोस्ट यानी कि भुना जाता है डार्क ब्राउन एज रिक्वायर्ड, जब तक तो डार्क ब्राउन में होना जाए। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रोस्टिंग के टाइम उनको रिच एरोमा दे गिव अ रिच एरोमा, उनमें खुशबू दी जाती है, ठीक है, एरोमा का मतलब खुशबू। जो रोस्टेड बीन्स उनको क्रैक किया जाता है, फिर उसकी शेल यानी कि बाहर का कवर को रिमूव किया जाएगा, फिर जो बीन्स उनको क्रश किया जाएगा ग्राइंडिंग स्टोन्स में इन द ग्राइंडिंग मिल्स में, यानी कि वहां ग्राइंडिंग स्टोन होंगे वो उनको क्रश करेगी। तो ये है प्रोसेस कोकोआ बीन्स की। अंडर द फ्रिक्शन ऑफ द ग्राइंडिंग स्टोन्स, और जो ग्राइंडिंग स्टोन है उसका जो फ्रिक्शन होगा, जो फैट होगा कोकोआ निप वो मेल्ट हो जाएगा और फिर जो चॉकलेट लिक्वर है वो फॉर्म हो जाएगा। चॉकलेट लिक्वर इज द बेस फॉर चॉकलेट, और जो चॉकलेट लिक्वर है वो बेस हो जाएगा किसका, चॉकलेट का। तो आप जो चॉकलेट खाते हो उसमें भी तो यही पढ़ते हो, देखना उसमें कोकोआ कहीं पे लिखा रहेगा। और जैसे आप जो कॉफी यूज करते हो वो तो कॉफी बीन्स भी होती है, तो थोड़ा बहुत तो वो भी मिक्स होता है। तो जो फ्रिक्शन होता है ना ग्राइंडिंग स्टोन का, यानी कि जो उनको पीसने का काम करेंगे, तो जो फैट होता है कोकोआ निब में वो पिघल जाता है उससे, ठीक है, और चॉकलेट लिक्वर फॉर्म हो जाता है। और चॉकलेट लिक्वर बेस है चॉकलेट का, देखते हैं ना आप, अगर चॉकलेट को मेल्ट करोगे तो लिक्वर ही फॉर्म में तो दिखेगा। यूजेस ऑफ कोकोआ बीन्स एंड कोकोआ बटर, कोकोआ बटर भी बनेगा कोकोआ बीन्स, उनके यूज क्या है। जो कोकोआ बटर है उसको मिक्स किया जाता है चॉकलेट लिक्वर के साथ फॉर्म करने के लिए बेसिक इंग्रेडिएंट, किसके लिए, चॉकलेट जो आप खाते हो। शुगर और अदर फ्लेवरिंग सब्सटेंस भी ऐड किए जाते हैं, जैसे कि आपने चॉकलेट भी खाई होगी, मीठी होती है ना, उसमें कोकोआ का अगर जितना ज्यादा यूज होगा थोड़ी कड़वी भी होती है, आपने ये टेस्ट करके ऑब्जर्व किया होगा। एडेड टू चॉकलेट लिक्वर बिफोर बेकिंग से पहले इसमें क्या कराए जाते हैं, फ्लेवरिंग, यानी कि इसमें और अच्छा स्वाद आ जाए, ठीक है, ये सब्सटेंस ऐड किया जाता है, शुगर भी। चॉकलेट इज ऑल्सो यूज फॉर मेनी अदर प्रोडक्ट, जैसे कि चॉकलेट को आप आइसक्रीम में भी खाते हो, आइसक्रीम वाली आइसक्रीम के में भी तो खाते हो ना, चॉकलेट केक्स के लिए, पेस्ट्रीज के, या आपने सब खा रहे होंगे बिस्किट्स में भी। जो चॉकलेट पाउडर है वो यूज किया जाता है केक को और सॉसेस को बनाने में। जो फैट और कोकोआ बटर है वो यूज किया जाता है अलग अलग प्रोडक्ट में यूज किया जाता है, कॉस्मेटिक्स में भी कोकोआ बटर को यूज किया जाता है, जो उसका फैट होगा या कोकोआ बटर होगा। एंड हीलिंग क्रीम्स फॉर बर्न्स एंड स्कार्स, यानी कि कहीं पे जल जाए या दाग पड़ जाए, ठीक है, दाग धब्बे पड़ जाए, तो उसके लिए भी वो यूज की जाती है कोकोआ बटर, ठीक है। कोकोआ बीन सेल्स कैन बी यूज, अब जो कोकोआ बीन के सेल है वो भी यूज किए जाते हैं, यानी कि जिनको हम प्रोसेसिंग पहले हटा देते हैं, तो ये जो सेल्स है उसका आउटर कवर है जो, ठीक है, कोकोआ बीन का, उसको यूज किया जाता है सॉइल कंडीशनर की तरह। एनिमल फीड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोकोआ हस्क, जो उसका भूसा होता है कोकोआ हस्क का, उसको एनिमल को दे देते हैं खाने के लिए। कोकोआ पाउडर कैन बी यूज एज एन इंग्रेडिएंट इन ऑलमोस्ट एनी फूड स्टॉफ, और आपने खाने की चीजों में देखा होगा कोकोआ पाउडर पड़ता है। कोकोआ बाय प्रोडक्ट इज यूज इन मेकिंग सोप, और कोकोआ यानी कि जो हमें चाहिए वो हम ले लेते हैं, और उसके जो बाई प्रोडक्ट यानी कि बाकी के जो प्रोडक्ट होते हैं जो हमें नहीं चाहिए होते हैं अनवांटेड, वो सोप बनाने के काम आते हैं। तो देखिए कोकोआ कितना यूजफुल है। प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट, अब जो प्रॉब्लम है और उनके सॉल्यूशन है, यानी कि आगे क्या सुधार किया जा सकता है। जो प्रोडक्शन है कोकोआ का घाना में वो फेस कर रहा है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, ये जो प्रॉब्लम है वो क्या है, यानी कि जो यील्ड होती है कोकोआ की फसल होती है कोकोआ बीन्स की, वो रिड्यूस हो रही है, क्यों, क्योंकि पुराने ट्री है उनकी वजह से। लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट, का मैनेजमेंट सही से नहीं हो रहा है। जो कोकोआ प्लांट्स है वो अफेक्ट होते हैं नंबर ऑफ डिजीज से, उनमें डिजीज भी लग जाती है। दिस हैज कट डाउन द कोकोआ प्रोडक्शन, इस वजह से भी जो कोकोआ प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है। लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग, अब हमने देखा कि इसमें कैसी लेबर चाहिए, मैनुअल लेबर चाहिए, तो अगर जो स्किल्ड ना हो लेबर तो वो कैसे काम करेगी इन चीजों का, क्योंकि आपने देखा होगा इसमें पूरी प्रोसेस में मैनुअल लेबर ही चाहिए। मार्केटिंग मशीन इज वेरी पुअर, और जो मार्केटिंग की मशीन थी जरूरी नहीं है कि उतनी अच्छे तरीके से उसको क्या कर सके, उसमें से जो उसके वो है आउटर कवर से लेकर उसको ग्रेडिंग करना, ठीक है, उसको पीसना इस ग्राइंडिंग स्टोन में, तो हो सकता है कि ये मशीनरी क्या वो पुरानी हो और वो उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएंगी, तो इस वजह से ये क्या है प्रॉब्लम्स है। कोकोआ एक्सपोर्ट, जो कोकोआ है वो कैश क्रॉप है घाना की, यानी कि इसी पे इसकी इकोनॉमी बेस्ड है, और ये मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर भी है घाना के, यानी कि यहाँ से एक्सपोर्ट होता है कोकोआ। इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्लैक गोल्ड ऑफ घाना, तो इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है घाना का, क्योंकि ये फॉरेन एक्सचेंज यानी कि और कंट्रीज में भी जाता है पूरे वर्ल्ड में, और जो ये कैश क्रॉप भी है यहाँ की। जो बिगेस्ट कस्टमर है यूएसए के वो फॉलोड करते हैं, यानी कि जो बिगेस्ट कस्टमर है यूएसए के उसके बाद जर्मनी लेंगे इसको, फिर नीदरलैंड लेगा, फिर यूनाइटेड किंगडम लेगा, और भी जो कंट्रीज है इंपोर्टिंग कोकोआ आर, यानी कि जो इंपोर्ट यानी कि जो क्या करती है लेती है कोकोआ को, वो स्विट्जरलैंड और बेल्जियम।
टेकोराडी एंड टेमा आर द चीफ पोर्ट्स एक्सपोर्टिंग कोकोआ. ये दोनों पोर्ट हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं कोकोआ को. दोनों पोर्ट हैं ये जो इनमें मॉडर्न पोर्ट फैसिलिटीज भी है. जो कोकोआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है घाना की और ये मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग क्रॉप है यहाँ की. ये एम्प्लॉयमेंट भी देता है हाफ अ मिलियन ऑफ पीपल ऑफ द कंट्री. तो देखिए वहाँ की इकोनॉमी और वहाँ का जो एम्प्लॉयमेंट है वो इसी पे बेस्ड है. और कुछ कोकोआ प्रोडक्ट क्या आपको क्या दे रही है पिक दे रही है, जैसे आइसक्रीम हो गई ना अलग अलग फ्लेवर की, चॉकलेट होगी, तो आई होप आपने भी खाया होगा तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसमें कैसा फ्लेवर आता है. सो स्टूडेंट आई होप आपको ये जो चैप्टर है अच्छे समझ में आया होगा, अफ्रीका ज्योग्राफी का चैप्टर क्लास 7 का. थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़.